ओके, स्टार्टिंग विद न्यूमेरिकल नंबर 13.6, अ कॉइल ऑफ 0.01 हेनरी इंडक्टेंस, मीन्स हियर वी हैव इंडक्टर इन द कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 0.01 हेनरी एंड 1 ओम रेजिस्टेंस. वी ऑल्सो हैव अ रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम इन द सर्किट. सो दिस इज एल आर सर्किट. इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट, मीन्स वी हैव आर एम एस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज विच इज 200 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़. Supply, okay, it is an AC supply. Find the impedance of the circuit. So here impedance, formula for impedance will be R square plus XL minus XC the whole square, but we don't have capacitance, so there won't be any capacitive reactance, so just XL square. Now we need to find XL for that, and XL is nothing but omega L, that is 2 pi F L. Okay, so 2 into 3.142 into F, that is frequency 50, into 0.01 Henry. Now 2 5s are 10, so this becomes 100 into 3.142 into, I want to make it as 1, so upon 100. Why 100? Because after point there are 2 digits. This 100, this 100 gets cancelled, so XL is 3.142 ohm. So your next step is to find out the impedance R ka square, that is 1 square, and 3.142 ka square. I think for students direct multiplication is very easy. Most of the students will say, instead of doing or taking risks of any other calculation, we'll just directly do this, because we have been doing this from second, third, fourth standard. 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 4 2s are 8, 4 4s are 16, 4 1s are 4 plus 1, 5, 4 3s are 12, 1 2s are 2, 1 4s are 4, 1 1s are 1, 1 3s are 3, 3 2s are 6, 3 4s are 12, 3 1s are 3 plus 1, 4, and 3 3s are 9. So here 4, 8 plus 8, 16, 2 plus 2 plus 4, that is 8 plus 1, 9, 6 plus 1, 6 plus 4, 10, 15, 21, 2 plus 2 plus 2, 6 plus 1, 7, 4 plus 3, 7 plus 1, 8, and here after point total we have 1, 2, 3. 4, 5, 6 digits. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So square of 1 ka square is 1. Square of 3.142 is 9.871984. My God. 9.87. Now see, we have taken 3 digits. Let's cancel this fourth one as it is greater than 5. So I'll do plus 1 over here. Okay, so now 9 plus 1, 10.872. Square root of 10.872, we can see this in square root ka table. Square root of 10.872, 10.87. So we will add 3.286 में 11 add करेंगे, ठीक है. थ्री पॉइंट टू एट सिक्स में 11 ऐड करो, 792.3. सो स्क्वायर रूट ऑफ 10.872 इज 3.297. सो दिस इज आर इम्पेडेंस. ओके, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट? फाइंड द इम्पेडेंस ऑफ द सर्किट एंड टाइम लैग
बिटवीन, टाइम लैग मीन्स द चेंज इन टाइम. अब यहाँ लैग हुआ है टाइम, लीड नहीं है. देर इज लैग इन द टाइम बिटवीन मैक्सिमम ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट. ठीक है, देर इज टाइम लैग बिटवीन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट. सो दैट इज चेंजेस इन टाइम. वॉट इज द चेंज इन टाइम, डेल्टा टी फाइंड आउट करना है. अच्छा ठीक है, कहाँ पर मिलेगा हम लोग को टी वाला टर्म? दैट इज फाई विच इज इक्वल टू ओमेगा टी. ओके, सो हियर वी वॉन्ट चेंज इन टाइम. सो दिस फॉर्मूला कैन बी रिटन एज चेंज इन टाइम. सो फॉर दिस वी नीड टू नो फाई फर्स्ट. वॉट इज फाई? फाई इज 10 इनवर्स ऑफ XL minus XC upon R, but here we don't have capacitance, so no XC. So it is just 10 inverse of XL, that is 3.142 upon R, which is 1. So we will be finding 10 inverse of 3.142. Okay, so the best way to find out 10 inverse of 3.142 is, just wait. Okay, to phi is equal to 10 inverse of 3.142. Let's see, we'll find out that digit which is close to 3.142. Logarithmic tangent mein jayenge. नहीं, नेचुरल टेंजेंट में 3.142. थ्री पॉइंटर ये रहा, यहाँ पर है थ्री पॉइंटर. ये देखो थ्री पॉइंटर, सब जगह पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट अपने को फोर चाहिए, सेकंड डिजिट सॉरी फर्स्ट डिजिट अपने को वन चाहिए, सेकंड डिजिट फोर चाहिए. ये रहा वन, ये रहा वन, सेकंड डिजिट अपने को फोर चाहिए, तो यहाँ फाइव है, तो अपन ये वाला लेंगे, उससे थोड़ा छोटा. दैट इज 3.1334 ये लेंगे. और अपना नंबर क्या है? 3.1420. तो कितना बच गया? 6 हो गया 1, तो यहाँ से बोरो कर लो. 11 माइनस 3 इज 8, 0 0 0, मतलब 86 चाहिए एक्स्ट्रा, और 86 चाहिए टू मेक दिस 3.1334 एज 3.142. 86 तो नहीं मिलेगा ये, चलो पहले ये देखते हैं ये कहाँ मिला था. 72 डिग्री, ये रहा डिग्रीज, और ये मिला था इसमें 18 मिनट. किधर मिला था? 72 डिग्री 18 मिनट. अच्छा, अब 86 के नज़दीक मीन डिफरेंस में देखते हैं, इसी में 86 से नज़दीक. यहाँ देखो, यर इट इज़ 32, देन 64, देन 96. 96 नहीं ले सकते, 64 वाला लेते हैं. दैट इज़ 2 मिनट. सो वी विल ऐड 2 मिनट इन दिस. दिस विल गिव मी 72 डिग्री 20 मिनट. If I want to convert minute into degree, so I'll divide it by 60. ठीक है, जैसे ही हम मिनट को डिवाइड करेंगे 60 से, इट विल गो इनटू डिग्री. कट कर दो, 2 1s are 2 3s are 3 1s are 1 है 3 0s are 0 point 10 हो गया, 3 3s are 9, 1 बचा पॉइंट की वजह से 10, सो 3 3s are 9. सो दिस इज 72 डिग्री पॉइंट, मतलब 72.33 डिग्री. So 10 inverse of 3.142 is 72.33 degree. This is my phi. But phi is equal to omega change in time, that is omega t. That is phase angle. Phase angle. So this is only that phase angle, phi. Phi is 72.33 degree. 72.33 degree. पर मुझे आंसर डिग्रीज में नहीं चाहिए, रेडियंस में चाहिए, बिकॉज ओमेगा ओमेगा हमारे पास रेडियंस में है, टाइम हमको सेकेंड्स में चाहिए, है ना. तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज़ इन डिग्री, सो पाई विच इज़ इन रेडियंस अपॉन 180 डिग्री. सो दिस डिग्री एंड दिस डिग्री गेट्स कैंसल,
and whatever will be the calculation over here, that will give me answer in radians. That is equal to omega into delta t. So now 72.33 into pi upon 180 is equal to omega is 2 pi f delta t. So now some of the things might have got clear over here. Delta t is equal to, delta t will be equal to 2 pi f niche. That is 72.33 into pi, ye niche, 180 into ye niche, 2 pi f. How much is f? F frequency is 50. Pi gets cancelled. 2 pi's are 10. 72.33 upon 180. 2 pi's are 10. So this gives me 100 over here. Okay. हम एक काम कर सकते हैं. लॉग नहीं लगाना हो तो, बट ठीक है चलो, विल टेक लॉग 72.33. इजी कैलकुलेशन भी बता देती हूँ, लॉग नहीं लगाना. तो ये 18 हो गया, ये हो गया 10 रेज टू 3. वी हैव 3 जीरोस. 18 के टेबल को लिख लो. 18 टू ज़ा 2, 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2 3 36. 18 3 ज़ा 3, 8's are 24, 3, 1's are 3, 4, 5. Hmm. 18, 4's are 4, 8's are 32, 3, 4, 1's are 4, 5, 6, 7. 18, 5's are 5, 8's are 40, 5, 1's are 5 plus 4, 9. 18, 6's are 6, 8's are 48, 8, 4, 4, 6, 1, 0, 8. 18, 7's are 7, 8's are 56. 6 5 1 2 6. बस हो गया. नाउ हमको इस नंबर को अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, 72, ठीक है चलो यहाँ ले लो 72.33 डिवाइड कर दो 18 से. अगर लॉग भूल गए हो तो यू कैन गो विद दिस मेथड. 72, 18 फोर ज़ा 72, 18 फोर ज़ा 72, 0 0 आ गया. 3 नीचे ले लो, 18 ज़ीरो ज़ा 0, ये आ गया 0. फिर 3 नीचे 33 आ गया. अब क्या 33 तो नहीं है, तो 18 वन ज़ा 18, 2 13, 13 में से 8 निकालो. यहाँ पॉइंट के बदले पॉइंट, हाँ 13 में से 8 निकालेंगे हम तो आएगा 5 15, बिकॉज ऑफ पॉइंट दैट बिकम्स 150. बस हो गया ना अभी इतना. सो इट इज़ नाउ 4.01, टू डिजिट तक मिल गया, इनटू 10 रेज टू माइनस 3. समझा क्या हुआ? 18 फोर ज़ा 72, ठीक है, फिर ये पॉइंट लगा दिया, पॉइंट के बदले पॉइंट, 3 नीचे आ गया. बट 18, 3 तो छोटा है, तो हम लोग ने लिख लिया 18 ज़ीरो ज़ा 0, ये 3 नीचे आया, फिर ये 3 को नीचे ले लिया, तो इट बिकेम 33. 18 वन ज़ा 33, बिकॉज 18 टू ज़ा 36, बड़ा था 33 से. 10 रेज टू माइनस 3, 3 डिजिट्स हमको पॉइंट यहाँ मूव करना है. कैसे? 1 2 3. सो इट इज़ 0.004004, फिर 0, फिर 1. तो हम 3 डिजिट तक बस हो गया हमको, तो विल नॉट टेक दिस. सो इट इज़ 0.004 सेकेंड्स का टाइम लैग बिटवीन मैक्सिमम अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट. अंडरस्टूड?